है तेल मेरा, मुझे हर दम ये पूछता क्यों है मुझे तुझसे इतनी वफा, क्यों तेरी हसरत। मेरे सपनों की परी कहाँ गई? मेरे सपनों की परी उड़ गई तेरी सपनों की परी? साले दिन में तो कम से कम चैन से सोने दिया कर। तू चैन से सोने दिया कर, बस किस करने ही वाला था कि तूने उठा दिया मुझे। वही तो, अगर किस हो जाती ना तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। क्यों, मेरे सपनों की परी तेरी बेटी लग रही थी क्या? अबे नहीं, तू अपने सपनों की परी को किस करने के चक्कर में मुझे किस करने वाला था। छी, जब भी कहूं मेरे सपनों की परी के मुंह से बदबू क्यों आ रही थी? क्या क्या बोला तू? कुछ नहीं, जाके ब्रश कर, वैसे भी तू सोएगा तो मेरे साथ ही ना। हाँ वही तो, अगर तू जिंदगी भर अपने सपनों की परी के चक्कर में रहा ना तो तुझे कोई लड़की नहीं मिलने वाली। अबे जाना, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे वो मेरे सपनों में आती है, वैसे तो मैं भी किसी के सपनों में आता ही होऊंगा ना। हाँ भगवान करे कोई तो हो ऐसी जो तेरी तरह हरकतें करती हो। हाँ होगी तो जरूर, पर पता नहीं कब मिलेगी यार। क्या है? ये प्रपोज कर रहा हूँ मैं, और क्या? ऐसे घुटनों पे बैठ के और ये सुनसान सी जगह पर? नो वे। अरे तो और कैसे करते हैं? जैसा मैंने सपनों में देखा था, अगर वैसे करे तो हाँ बोलो भी। अब तेरा सपना मुझे कैसे पता होगा? हाँ तो फिर हटा सावन की घटा, बत्ती बुझा, अपने घुटने उठा, ये फूल हटा और दफा हो जा। छोटी बच्ची है क्या? क्या बोला तू? और नहीं तो क्या, सपनों का राजकुमार चाहिए तुझे। आज के जमाने में ना सपना सिर्फ सपना होता है, सच्चाई नहीं। अबे ओए मलेरिया के मच्छर, सुन मेरी बात, अगर सपना आ सकता है ना तो सपना पूरा भी हो सकता है। हाँ देखते हैं कहाँ है तेरे सपनों का राजकुमार। जहाँ भी हो बस मुझे मिल जाए, और तू ना ज्यादा मेरा बाप मत बन, दोस्त है ना तो दोस्त ही बन के रह। यार बना लेना मुझे अपना बॉयफ्रेंड, मैं तुझे बहुत खुश रखूंगा। चुप कर यार, तू दोस्त ही अच्छा है, और वैसे भी बॉयफ्रेंड तो मुझे मेरे सपनों वाला राजकुमारी चाहिए। तू चल अब। यार बना लेना बॉयफ्रेंड। यार तू फिर शुरू हो गया, तू दोस्त ही अच्छा है बोला ना, चल अब। और क्या कर रहा है? फोन हाथ में, तो क्या करूंगा? ये भगवान भाई, सपनों की परी फोन में नहीं, आसपास देखेगा तब मिलेगी। अबे तुझे तो पता ही है, आसपास के चक्कर में जब भी किसी लड़की से मिला हूँ, सपनों की परी नहीं पापा की परी मिली है। मेरी वाली तो पापा की लाडली होगी, परी तो मेरी बनेगी। तो कोई मिलेगी नहीं? हाँ भाई मिली तो है, कुछ को रिक्वेस्ट भेज दी है, अब कोई रिप्लाई करे तब पता चले कौन जाने मन है और कौन जाने लायक। रुस्तम ये कौन है और मुझे क्यों फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है? प्रोफाइल खोल के देखती हूँ इसकी। ये क्या लिखा है? रात काटने के लिए तो कोई भी मिल जाएगी, मुझे उम्र भर चलने के लिए चाहिए। हाथ छुड़ा के मुसीबत में अपने भी भाग जाते हैं, मुझे मुसीबत में हाथ थामने के लिए कोई चाहिए। मुझे पापा की परी नहीं सपनों की परी चाहिए। ये तो थोड़ा मेरे टाइप का लग रहा है। क्या करना चाहिए? मैसेज कर दूं? कर देती हूँ, अगर हुआ तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर ब्लॉक का ऑप्शन तो है ही। अरे वाह मैसेज, नैंसी नाइस नेम, इसने हाय बोला है,
तो मुझे भी हाय बोलना चाहिए। हाय। आपकी प्रोफाइल देखी, काफी अच्छा लिखा है आपने। सिर्फ लिखा ही नहीं है, उसे हकीकत भी बनाना चाहता हूँ। आप भी सपनों को मानते हैं? सपने तो देखे जाते हैं सच करने को, नहीं तो रात को आंखें बंद करके एक और झूठी दुनिया पे भरोसा ही क्यों करें? अरे वाह, आप तो शायर हैं। शायर का तो पता नहीं, पर जो बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ। कुछ शब्द शेर बना देते हैं और मुझे शायर बना देते हैं। आपकी बातें तो दिल में घर कर रही है मेरे। ये तो अच्छी बात है, आप मुझे अपने दिल में जगह दो और मैं आपके लिए अपने घर में दिल से जगह बना दूंगा। आप बहुत जल्दी में लगते हैं। जब मेरी बातें आपके दिल तक जा रही हैं तो मुझे लगा आप भी ऐसी बातें करती होंगी, इसलिए आपको पसंद भी आ रही हैं। हाँ, मुझे भी गहरी बातें बहुत पसंद है। और मुझे बात करने वाले। बात करने वाले तो बातें बना लेते हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा आपको और आपकी बातों को परखने में। आप कहो तो आपके एग्जाम हॉल में बैठ जाऊं आपके लिए। नहीं जी, आप अपने घर ही बैठो, हम तो चले सोने, बाकी बातें कल सुबह। ओके जी, हम भी चले सोने। बातें तो वैसे ही करता है जैसी मैं सोचती हूँ, पर सोशल मीडिया का है, वहाँ तो लोग असली डीपी लगा के भी नकली आदमी निकलते हैं। खैर मुझे क्या, बातें करते हैं, अगर बात बन गई तो आगे तक जाएंगे, वरना। यस, मिल गई भाई, मिल गई। अबे कौन मिल गई? अबे मेरे सपनों की परी। क्या बात कर रहा है? हाँ भाई, बहुत प्यारी है यार। अच्छा, फोटो तो दिखा। ये देख। ये तो सच में परी जैसी है, बात पक्की हो गई? कहाँ भाई, अभी 10 मिनट पहले तो मिली है, ऐसे कैसे बात पक्की हो जाएगी? वही तो, अभी 10 मिनट पहले बात हुई है और तू पागल तो ऐसे हो रहा है जैसे तेरी शादी उसके साथ पक्की हो गई हो। अच्छा, इतना पागल हो गया था क्या? तो अच्छा, फिर थोड़ा और बात करना पड़ेगा, तब पागल होऊंगा। हे देवा, ये सच में पागल हो गया है। अबे ये कहाँ गया? वो जो मुझे देख के हंसे, पाना चाहूं रात दिन जिसे, रब्बा मेरे नाम कर उसे, तैनु दिल दा वास्ता, रब्बा या दर प्यार के, सारा जहां छोड़ छाड़ के, मेरे सपने सवार दे। वो जो मुझे देख के हंसे, पाना चाहूं रात दिन जिसे, रब्बा मेरे नाम कर उसे, तैनु दिल दा वास्ता, रब्बा या दर प्यार के, सारा जहां छोड़ छाड़ के, मेरे सपने सवार दे, तैनु दिल दा वास्ता। ओ भाई, थोड़ा तेज चल ले। अबे चल तो रहा हूँ, अब क्या तूफान मेल बन जाऊं? कछुए की चाल चल रहा है भाई, इससे अच्छा उसका नंबर ले ले, कम से कम बार बार फोन में तो नहीं झांकना पड़ेगा। हाँ यार, अच्छा आइडिया दिया तूने, रुक अभी मांगता हूँ नंबर। मुझे आपका नंबर चाहिए, कॉल पे बात करनी है। ले भाई, कर दिया मैसेज।
अब हंस क्या रहा है, चल। वो जो मुझे देख के हंसे, पाना चाहूं रात दिन जिसे, रब्बा मेरे नाम कर उसे। नंबर नहीं दे गया उसने अभी तक? नहीं यार, जैसी नंबर मांगा वो ऑफलाइन हो गई। इसीलिए मैं बोलता हूँ पास की कोई लड़की देख ले, पर नहीं तुझे तो समझ ही नहीं आता। अरे रुक जा यार, कुछ काम आ गया होगा, बिजी हो गई होगी। ओ भाई, सबको यही लगता है, जब नंबर नहीं मांगा तो चैट कर रही थी, और जैसी नंबर मांगा ऑफलाइन हो गई। दे दिया नंबर। यस यस। क्या बोल रहा था तू? भाई भाभी तो बहुत प्यारी है। हाँ अब प्यारी तो लगेगी तुझे। नैंसी, नैंसी, नैंसी। हाँ क्या है, क्यों चिल्ला रहे? मैंने सुना है तू दिल्ली के किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में। हाँ हूँ, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। यही है तेरा सपनों का राजकुमार? हाँ, उससे तुझे क्या? एक तो तेरा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ऊपर से वो दिल्ली का लड़का, तुझे उस पे भरोसा भी है? हाँ, मुझे उस पे पूरा भरोसा है। तू तो जैसे 24 आवर्स उसी से बात करती है ना, जो तुझे पता होगा कि वो क्या-क्या करता है। कहना क्या चाहता है तू? देख, जितना मुझे पता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का ना कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आजकल ना सबकी कुछ ना कुछ नीड होती है, तू समझ रही है ना? और वैसे भी आजकल सब कुछ बहुत जल्दी हो जाता है, और तुम तो इतने टाइम से रिलेशनशिप में हो, तो उसने तुझसे कभी उन चीजों के बारे में बात नहीं की क्या? जरूरी नहीं कि सब तेरी तरह हो, जिसका ईमान 2-3 महीने में ही डोल जाए। वैसे गलत अंदाजा लगाते ना मेरे बारे में, मैं 1 महीने से ज्यादा वेट नहीं करता। इसलिए तो तुझे मैंने रिजेक्ट किया था गधे। तू बात बात पे मेरी बेइज्जती क्यों करती रहती है? क्योंकि तुझे इज्जत करवानी ही नहीं आती है। अच्छा, देख के कहीं वो दिल्ली वाला काट ना जाए तेरा। ओ प्लीज हाँ, सब तेरी तरह नहीं होते। मीलो का हो, सालों का हो, चाहे हो, सफर की परवाह नहीं। तू है जहां, मैंने वहां होना है, पहुंच है जाना वहीं। तू पहला पहला प्यार है मेरा, तू पहला पहला प्यार है। हाय नैंसी। नैंसी, कौन है लड़का? एक सेकंड। किससे बात कर रही है? ओ वही, तेरे सपनों का राजकुमार। चुप कर तू। रुस्तम, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। पर नैंसी, क्या हो भाई, इतना सैड क्यों बैठा है? यार नैंसी का एक दोस्त है। तो क्या हुआ? अबे वो लड़का है। तुझे इनसिक्योरिटी फील हो रही है? अबे तुझे पता नहीं है, लड़के बहुत हरामी होते हैं। तुझे भरोसा है ना उस पे? उस पे तो पूरा भरोसा है, पर उस लड़के पे नहीं। करना तो पड़ेगा मेरे भाई, दूर का प्यार है। परिंदे तो आसपास भटकेंगे, पर रखवाली तो तुझे ही करनी है, अब देख ले। हाँ भाई तू सही कह रहा है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। यार कहाँ रह गई नैंसी, कब कॉल करेगी? आगे कॉल। कहाँ थी तुम सुबह से? सॉरी यार, वो उस टाइम ना एक लिचड़ दोस्त आ गया था, और फिर मैं बाद में कॉल ही नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, और बताओ कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन बस तुम्हारे बारे में सोचने में निकल गया। अच्छा, ऐसा क्या सोच रही थी, जरा हमें भी बता दो। नहीं, वो तो तब बताऊंगी जब तुम मुझसे मिलने आओगे। तुम कहो तो अभी आ जाऊं? जी नहीं, इतनी रात को आने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर कब आऊं? जब मैं अभी सोने जाऊंगी
तो मेरे सपनों में आ जाना, बस वही बहुत है। अच्छा फिर तुम सपनों से ही काम चलाओ, जाओ। अच्छा क्यों, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो तुम चाहिए। अरे तो मैं तो तुम्हारी ही हूँ ना। तुम मुझे मेरे करीब चाहिए। कितने करीब? इतने करीब कि तुम्हारी सांसें मुझे और मेरी धड़कने तुम्हें सुनाई दे। बस बस तुम मुझे बहका रहे हो, अब जाओ और सो जाओ। अरे सुनो तो। नहीं नहीं जाओ तुम, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। ठीक है बाय, लव यू। लव यू। क्या बात है भाई, आज बात नहीं कर रहा? हो गई भाई बात। आज बड़ी जल्दी। हाँ यार, अब उससे जितना ही बात करता हूँ उतना ही मिलने का मन करता है। ए, सो जा चुपचाप से। मिलने का मन करता है, कल सुबह ऑफिस भी जाना है। हाँ पता है, तू सो जा। क्यों, तुझे नहीं सोना? हाँ कल नैन्सी का बर्थडे है, उसे 12 बजे विश करना है। फिर तूने कॉल क्यों कट करी, बात करता रहता। हाँ कॉल इसलिए कट की ताकि उसे लगे मुझे उसका बर्थडे याद ही नहीं है। अभी 12 बजे कॉल करके उसे सरप्राइज दूंगा। वारे मेरे आसी का वारा। चल ठीक है, तू 12 बजे उसे विश कर, मैं तो चला सोने क्योंकि मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। हैप्पी बर्थडे नैन्सी। हैप्पी बर्थडे माय लव, आई लव यू। तुम हमेशा मेरे साथ रहो, यहाँ रहो या गाजियाबाद रहो, बस तुम मेरे साथ रहो। थैंक यू सो मच बेबी, आई लव यू। तुम्हें लगा था ना कि मैं भूल गया हूँ? हाँ कुछ सेकंड के लिए तो ऐसा लग रहा था, लेकिन अगर ऐसा होता ना तो मैं तुमसे बात नहीं करती, वो भी कम से कम 10 दिन। बाप रे 10 दिन, मैं तो 1 दिन भी नहीं रह सकता तुमसे बात किए बिना। लव यू। लव यू टू। वैसे मुझे क्या मिलेगा तुम्हारे बर्थडे के दिन? क्या चाहिए तुम्हें? एक लड़का एक लड़की से क्या मांग सकता है। अच्छा तो फिर आ जाओ कल, जो चाहिए वो मिल जाएगा। सच्ची? हाँ हाँ बिल्कुल, ले लेना। सोच लो। मारूंगी भी अगर ऐसी वैसी बात की तो, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, समझे? ठीक है फिर बाय। क्या हो गया, इसकी कॉल क्यों नहीं लग रही है? राघव थैंक यू यार। नहीं यार मेरा पार्टी का कोई प्लान नहीं है। अरे यार तू पागल हो गया क्या, क्यों बार बार कॉल करे जा रहे? क्या तू बाहर खड़ा है? नहीं मैं नहीं आ रही हूं। अच्छा ठीक है। हैप्पी बर्थडे नैन्सी। हाँ हाँ ठीक है दूर रहे।
अच्छा ठीक है ना, ये बता मेरी पार्टी का है? मैं कोई पार्टी नहीं दे रही। अच्छा हुआ तेरा मूड क्यों ऑफ है? बस ऐसे ही। वो क्या नाम था उसका, रुस्तम, बात नहीं हो गया उससे? यार वो कल मुझसे ऐसी वैसी बातें करने की कोशिश कर रहा था और मैंने मना कर दिया, तब से उसका फोन ही नहीं लग रहा है। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले लड़के ऐसे ही होते हैं, पर तूने मेरी बात ही नहीं मानी। अब उसके चक्कर में अपना मूड क्यों खराब कर रही है? चल हम दोनों कहीं बाहर से चिल करते हैं। नहीं मेरे को कहीं नहीं जाना, तू जा। अरे चल लेना, घर पे बैठे बैठे बोर ही होगी। अच्छा ठीक है रुक, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। अरे यार तू मुझे कहाँ लेके जा रहा है? अरे चलते सही, तेरे लिए सरप्राइज है। अरे मैंने बोला था ना मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए, मेरा मूड ऑफ है। चलते सही, सरप्राइज देख के तेरा मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देख 1 2 3 दोनों जहाँ को भूला हूँ मैं, ऐसी लगी है तुझसे लगन, चाहे कहो इसे आवारगी, चाहे कहो इसे दीवानापन, दिल ने कहा दिल ने सुना, मैंने तुम्हें दिलबर चुना। सजदे तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैंने शामों से मांगा है। तूने बुलाया था रुस्तम को? मैं क्यों बुलाऊं, इतना भी अच्छा दोस्त नहीं तेरा, पर ये तेरा सच्चा प्यार है ना, इसने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था और मैंने सारा इंतजाम कर दिया भाई के लिए। थैंक यू यार। और तुमसे तो मुझे बात ही नहीं करनी, कहाँ थे तुम पूरा दिन, पता है मैं कितनी परेशान हो रही थी। उसके लिए सॉरी यार, बट मिलने का मजा तो तभी आता है ना जब इंतजार में तड़प हो। मुझे लगा कि मैंने तुमसे ऐसी वैसी बात नहीं करी इसलिए तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। कैसी बातें कर रही हो यार, मेरे लिए ऐसी बातें कोई मायने नहीं रखती, मुझे तो बस तुमसे बातें करना ही अच्छा लगता है। हम दोनों की कोई बात भी ना हो, बस कॉल पे रहे, मेरे लिए यही काफ़ी है। और आज का दिन जितना तुम्हारे लिए स्पेशल है उससे कहीं ज़्यादा मेरे लिए स्पेशल है। इसने भले ही तुझसे दिन में एक भी बार बात ना की हो, पर मुझसे 50 बार अपडेट ले चुका है। अच्छा, पहले तो बड़ी इसकी बुराइयां करता था कि ऐसा होगा वैसा होगा पता नहीं कैसा होगा, और अब खुद इसके हेल्प कर रहा है। हाँ कुत्ता कहीं का। अब इतना ही बुरा दोस्त नहीं हुआ तेरा? माना कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में किसी के मन में झांक नहीं पाते, लेकिन प्यार अगर सच्चा हो तो मन से, जज्बातों से और आंखों से पता चल ही जाता है कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। दूरियां तो बस कहने की बात है यार, लेकिन जब प्यार हो जाता है ना तो दिल जिसे चाहता है ना दिल के पास ही रहता है। आई लव यू। आई लव यू टू। सजदे किए मैंने शामों से मांगा है तुमको सदा, ये मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा, वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा। सो हे गाइस, वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और किसी की भी लाइफ में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाला प्यार हुआ हो तो कमेंट जरूर करना, और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करने ला, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जिसने अभी तक मेरा चैनल इट्स रुस्तम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो झाके यार सब्सक्राइब कर लो, रेड वाला बटन दबाओ और बेल आइकन प्रेस कर लो, और जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक लिए बाय, लव यू ऑल।